भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सीमावर्ती ब्लॉक नवाबगंज में मनाया गया जीत का जश्न रुपैढ़िया बहराइच। नानपारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल यश के प्रत्याशी रामनिवास वर्मा की जीत का जश्न शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर जुलूस निकालकर मनाया। विधानसभा अंतर्गत सीमावर्ती कस्बा रुपैढ़िया में ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जेपी सिंह के नेतृत्व में दोनों संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस बाबागंज से सीमावर्ती क्षेत्र रुपैढ़िया तक निकाला। जुलूस रुपैढ़िया कस्बे में भ्रमण करने के पश्चात वापस बाबागंज की ओर चला गया। इस जुलूस में शामिल लोग योगी जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पिछली दो बार से नानपारा विधानसभा सीट पर काबिज रही माधुरी वर्मा को लगभग 12,184 मतों से हराकर इस बार अपना दल के प्रत्याशी रामनिवास वर्मा ने विजय पताका फहराया है। अपना दल यश के मीडिया सलाहकार श्याम कुमार मिश्रा ने बताया कि योगी और मोदी के किए गए विकास के कार्य, राशन प्रणाली, बिजली तथा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार व नारी सम्मान आदि मुद्दों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। श्याम कुमार मिश्रा ने कहा कि आने वाले दिन में इस सीमावर्ती कस्बे का विकास कर यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष संजय कुमार वर्मा, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पंडित भीमसेन मिश्रा, मंडल अध्यक्ष अजय मिश्रा, जिला कार्यकारिणी सदस्य रमेश कुमार अमलानी, विजय सिंह, किसान मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत नेपाल सीमा से संतोष शुक्ला की रिपोर्ट। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाता, बल्कि मधुमक्खी फूलों के पराग से मधु का चयन करके हनी बनाता। ऐसा ही 100% प्योर नेचुरल पतंजलि हनी जो 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है, इसे हम आप तक पहुंचाकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।